में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है तो हरा धनिया काफ़ी मात्रा में मिलता है, तो हम आम घर में चटनी तो बनाई ही जाती है, हर कोई अपने स्टाइल से अपने तरीके से बनाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रेसिपी, जो स्प्रिंग ऑनियन यानी हरे प्याज और हरे धनिया के साथ लहसुन चटनी बनाऊँगी। जैसे ये देख रहे, एक मैंने ये हरा प्याज लिया, इसकी ये डंडियाँ भी हमें चाहिए हरी वाली, और इसका ये जो आगे का बल्ब है ये भी लिया, ये भी काटेंगे भी, और 10 से 12 जवे लहसुन के लिए, और एक हरी मिर्च ली। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। खटाई के लिए आप नींबू भी डाल सकते हैं, मैं सिरका डालूँगी ताकि ये काफ़ी दिन तक चल जाती है। इसके अलावा हम हरा धनिया लेंगे, ये गड्डी धो के, कम से कम ये हमने एक गड्डी से थोड़ा सा काम है, 100 ग्राम के लगभग धनिया, इसको अच्छी तरह से धो के इसकी मोटी डंडियाँ जो नीचे की होती हैं निकाल दी हैं, और ये रहने देंगे कि इसमें काफ़ी फ्लेवर होता है। और इसके अलावा इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चीनी, 1/2 छोटा चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक 3/4 चम्मच, और 1 चम्मच जीरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्याज काट लेते हैं। ये देखिए प्याज है, मैंने छील के धो के रखा हुआ, इसको ऐसे काट के ये डाल देंगे। फिर हम ये जो इसके हरे पत्ते हैं प्याज के, ये भी डालेंगे। कैंची से काटेंगे तो बड़ी इजली काट जाते हैं। ये मिक्सर जार का जो चटनी जार होता है उसमें ही हम इसको बनाएंगे। और ये हरी मिर्चें, ये भी डाल, ये लहसुन है, ये भी डाल। इसी प्रकार ये धनिया मैंने धो के अच्छी तरह रखा हुआ है साफ करके। अब इसको भी हम मोटा मोटा रफली करेंगे, ज़्यादा नहीं, हमने बिल्कुल बारीक नहीं काटना। इसी प्रकार मैं काट के आपको दिखाती हूँ। धनिया भी काट के डाल दिया, हरा प्याज, लहसुन, और हमने वो हरी मिर्च डाल दी है। अब हम डालेंगे जीरा, हमारे पास है, ये जीरा डाल देते हैं 1 चम्मच छोटा, नमक और थोड़ी सी चीनी। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम सिरका डालेंगे तो फिर ज़्यादा ढीली हो जाएगी। 1 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और 2 बड़े चम्मच के करीब हम सिरका डालेंगे। सिरका डालने से एक तो खट्टा हो जाता है ये, और एक ये काफ़ी दिन तक हमारी चटनी फ्रिज में रह सकती, प्रिजर्व हो जाती है। ये अभी डाल दिया हमने सारी चीज़ें। अगर आप सिरका ना डालना चाहें तो अमचूर भी डाल सकते हैं, और ये नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इसी टाइम आप डाल दें। तो इसके साथ हम इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 1 मिनट इसको ग्राइंड कर लिया मिक्सी में, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है ये, और कलर भी कितना अच्छा है। हमारी ग्रीन चटनी विद स्प्रिंग ऑनियन और लहसुनी चटनी इसको बोलेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। आप सिरके के साथ और हरे प्याज के साथ बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी। सब अपने तरीके से बनाते हैं लेकिन ये हमारा मेथड है, हम बहुत ऐसी टाइप से बनाते हैं और काफ़ी दिन चलती है। आप इसको लंच, डिनर या किसी भी स्नैक्स के साथ, समोसा, कचौरी और पकौड़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। कर दिया इसको, जार में रख दिया, कांच के जार में आप या किसी बोतल में भर के रख दें। ये हमारी हरे प्याज और लहसुनी चटनी तैयार है, हरे प्याज के साथ धनिए की। आप किसी भी स्नैक्स के साथ, डिनर या लंच में किसी भी के साथ सर्व कर सकते हैं, और ये खाइए और इन्जॉय कीजिए और बनाइए इस मेथड से, तो आप देखेंगे बहुत ही टेस्टी, बड़ी हेल्दी ग्रीन चटनी बनकर तैयार है। खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।